आज तुमने वो किया है श्री, जो आज तक इस घर की किसी बहू ने नहीं किया। मैंने क्या किया है भाभी? ये गंवार दरवाजे पर छुप छुप कर आपकी और बड़ी बाकी बातें सुन रही थी। जो कुछ भी सुना है उसके बारे में सवाल करना नहीं चाहूंगी। मुझे जानना है कि क्या है उस मंगलसूत्र का राज। उस दिन कुछ साड़ी और बाकी की चीजें मैंने तुझसे तहखाने में रखवाई थी। जा तहखाने में जाकर अभी जी चेक किया। उस मंगलसूत्र के दूर होते ही ये बिल्कुल ठीक हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक को जाकर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री। ये क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ नहीं भाभी, वो तो मैं हनीमून नहीं 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 हनुमान चालीसा पढ़ रही थी भाभी। क्यों? बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है श्री? तुम तो हरि को अच्छी तरह से जानती हो। ऐसे कई लोग होते हैं जो शादी से पहले एक दूसरे से मिले भी नहीं होते, वो भी हनीमून जाते हैं। और फिर घबराना क्यों? हमारा हरि तो शरीफ है। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं हरि से बात करती हूँ कि वो मनाली में तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। बोलो, कह दूँ? नहीं भाभी। नहीं भाभी, वो मेरा मतलब है मैं उनसे थोड़ी ना डर रही हूँ। तो हवाई जहाज भाभी, मैंने सुना है जब हवाई जहाज उड़ता है ना तब बहुत डर लगता है। अरे नहीं, पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी हरि है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब जल्दी करो, एयरपोर्ट जाने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? नहीं भाभी, आपने जो लिस्ट दी थी उससे मेरी काफी मदद हो गई है। वो लिस्ट तो मेरी एक सहेली ने दी थी। जब मैं और अनंत, भाभी आप अपने हनीमून के लिए कहाँ गई थी? स्विट्जरलैंड। वो कहाँ है? बहुत दूर है पर बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत मजा आया था वहां। तो भाभी हनीमून के लिए सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं? तुम पहली बार तो जाके आओ, फिर अगर अच्छा लगे तो दोबारा भी जाना, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। क्या? एक मिनट। ये लो। ये क्या है? खोल के तो देखो। नहीं पहनूंगी। क्या नहीं पहनूंगी? मैंने भी पहनी थी। आपने? हाँ। अब नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अच्छा एक मिनट, ये देख मेरी फोटो। भाभी ये आप हैं? आपने पैंट पहनी है? हाँ, अनन ने बहुत जिद की थी, बोले वहां मुंबई में तो तुम्हें हमेशा साड़ी ही पहननी है, तो कम से कम यहाँ तो कैजुअल ड्रेस पहनो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कपड़ों की और गहनों की दुकान साथ लिए घूम रहा हूँ। इसलिए कहती हूँ तुम भी इसे पहन लेना, अगर तुम ये पहनोगी ना तो हरि को बहुत अच्छा लगेगा, आखिर भाई किसका है। अगर वो बदल गया है तो तुम भी तो बदलो। क्या हुआ श्री? भाभी मैं मनाली जाऊंगी ना। ऐसा क्यों कह रही हो श्री? क्या करूं भाभी, इतना कुछ बुरा हो चुका है मेरे साथ कि जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो मुझे बहुत डर लगता है। हर बार
खुशी मेरे आसपास से निकल जाती है और मैं उसे छू नहीं पाती। आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? वो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। श्री बेटा जल्दी से ये रख दो। बेटा सारी तैयारियां हो गई? जी माँ जी। जीनब बेटा ये गर्म कपड़े हैं तुम्हारे और हरी के लिए। मनाली जा रहे हो, वहाँ ठंड होगी। वैसे यहाँ तो ये कपड़े अलमारी से बाहर आने को तरस जाते हैं। चिकना रख दो। बेटा मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। चिकना दरवाजा बंद कर दो। ये किसका है? बेटा जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तब एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उस फिल्म का? जाने दो। पर उस फिल्म में राखी ने ऐसी ही पैंट पहनी थी। हम लोग जब कश्मीर गए ना तो वो मेरे लिए छुपके से ही पैंट लाए थे और कहा था कि पिंक कलर तुम पे बहुत जचेगा। बस अब हंसना बंद करो और पैकिंग करो, जाने का वक्त हो गया है। चलो सब अंदर रख दो। और हाँ ये हरी कहाँ रह गया? पता नहीं माँ जी। जीना तुमने कहीं हरी को देखा? थोड़ी देर पहले मुझे दिखे थे छोटी बा, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। घर में है कि नहीं है? नहीं। अरे इस वक्त कहाँ गया? कहाँ चले गए अचानक और मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? चेक इन करने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। श्री जरा फोन कर दो, पूछ कहाँ है वो। इनका फोन तो यहाँ है, तो फिर ये अचानक कहाँ चले गए? मिस्टर एंड मिसेस हरी रघुवंशी इन बोर्ड। ओके थैंक्स। नो दैट्स ऑल। फ्लाइट जा चुकी है और हरी उस पर नहीं गया। तो फिर वो गया कहाँ? आई थिंक हमें उसके फ्रेंड्स को फोन करना चाहिए। निकी सुबह के 4 बज रहे हैं, इस वक्त किसी को परेशान करना। आनंद को भी आज ही पुणे जाना था। छोटी बा मैं उन्हें फोन करूं? नहीं बेटा वो पुणे में है, वो क्या कर लेगा, खामखा परेशान होगा, रहने दे। हाँ मधुआ भी आजकल तो जो इस घर से दूर रहेगा वही चैन से रह सकता है, वरना सुख शांति चैन किस चिड़िया का नाम है ये हम सब जैसे भूल ही गए हैं। कुछ लोगों के ग्रह इतने भारी होते हैं कि
आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। नहीं बड़ी बा, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना? श्री निकी, तू भी ना। खुद ही जाने का कार्यक्रम बनाया था और खुद ही कहीं गायब हो गए। अगर नहीं जाना था तो सीधे सीधे बोल देते। घर पे सबको इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? अब कहेंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाना मुझे। अगर तुम ये पहनोगी ना तो हरी को बहुत अच्छा लगेगा। माना कि पुरानी स्टाइल है, पर है सुंदर ना। मनाली में पहनना। लेकिन ये इतनी रात को गए कहाँ? गाड़ी तो घर पर ही है, तो फिर गए किसके साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जहां कहीं भी हैं, वापस आ जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाएगा धीरे धीरे, सब समझ में आ जाएगा। जल्दी मत कर, जल्दी में सब गड़बड़ हो जाता है। तुम? हाँ मैं। क्या सोचा था तुमने? तुम हरी को लेके मनाली चली जाओगी और वो तुम्हारा हो जाएगा? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, उस सावित्री और अपनी माँ से मिलने के बाद। इसी हिम्मत का नतीजा है ये नतीजा है ये। वो मेहसानी मंगलसूत्र जब जब उसके सामने आएगा, तब तक तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। पहले भी कहा था ना मैंने। लेकिन वो मंगलसूत्र तो बड़ी बाले तहखाने में रख दिया था। तो सच को कितना भी तहखाने में छिपाने की कोशिश करो, वो बाहर आ ही जाता है। सच क्या है उस मंगलसूत्र का? सच जानना चाहती हो तो सुनो। सच वो नहीं जो तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया है। देखो अब भी वक्त है, हार मान लो और चली जाओ यहाँ से। लड़ाई में आगे बढ़ोगी तो पछताओगी, बहुत पछताओगी। नहीं, मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, कर इंतजार 16 अप्रैल का। फिर तुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है उस दिन? वो बताने की नहीं, देखने की चीज है। बस तू तारीख याद रखना, 16 अप्रैल। वो बताने की नहीं, देखने की चीज़ है, 16 अप्रैल। श्री
जल्दी चलो श्री। उनकी कोई खबर आई? हाँ, हरि वापस आ गया, जल्दी चलो। हरी तू सुन तो रहा है ना, इसे क्या हो गया? तू कहाँ चला गया था? हरी निहाल ये तेरे साथ था, पर तेरी तो सुबह मनाली की फ्लाइट थी ना। हरी निहाल क्या हुआ इसे, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे इसे तो बुखार है, क्या कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हरी कुछ बोल। हरी ऐसी हालत कैसे हुई? पता नहीं भाभी, जब मैं इसके पास पहुंचा तो इसकी हालत ऐसी ही थी। पर ये तुझे मिला कहां? पुरली स्टेशन पे। क्या? क्या? वहां ये क्या कर रहा था? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा भाभी। मैं तो घर पे सो रहा था कि अचानक मुझे एक लड़की का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा दोस्त हरी बुरली स्टेशन पे है और उसकी हालत बहुत खराब है। पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उस लड़की ने कहा कि अगर जल्द से जल्द तुम वहां नहीं पहुंचे तो शायद तुम अपने दोस्त को हमेशा के लिए। मैं तुरंत घर से निकला और जल्दबाजी में फोन घर पे भूल आया, इसलिए आप लोगों को फोन करने में थोड़ी देर हो गई। फिर जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ये अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि तुझे तो इस वक्त एयरपोर्ट पे होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। कहां? ये तो मुझे भी नहीं पता है। फिर अचानक इसने अपना सिर पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। इससे पहले कि मैं इसे संभालता, ये बेहोश होकर गिर पड़ा। एक भले आदमी की मदद से मैंने इसे टैक्सी में बिठाया और यहां तक ले आया। कमरे में चलते हैं। तुम कौन हो? अब टेंशन मत लीजिए। जब मैं इससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था तो कुछ समय तक इसने मुझे भी नहीं पहचाना था। मुझे लगता है शायद बुखार की वजह से ऐसा हो रहा होगा। चलिए अपने कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी लोग भी नहीं सोए हैं, वो लोग भी थोड़ा आराम कर लेंगे। चलिए। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।
बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें, पर मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने मैंने सबसे कह दिया कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें दूर लूंगा। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को छोड़ के जाता है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें उसी से ढूंढ लेता। क्या मैंने गलत ट्रेन पकड़ी थी? तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूं। आप किससे बातें कर रहे हैं? किससे बातें कर रहे हैं आप? सच को कितना भी तहखाने में छिपाने की कोशिश करो वो बाहर आ ही जाता है। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जैसे जैसे इस मंगलसूत्र का राज खुलेगा तेरा और हरि का रिश्ता कमजोर पड़ता जाएगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें दूर लूंगा।